सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल इंडियन चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस की अपडेट सबसे पहले। अगर आप जानते हैं कि कंप्यूटर कैसे बनाया जाता है, मतलब कि मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, हार्ड ड्राइव, डीवीडी राइटर, कैबिनेट, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, एलईडीज वगैरह को कैसे जोड़ा जाता है, तो लगभग आपने आधा जंग जो है वो जीत लिया है। लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं बेस्ट कंप्यूटर तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। मेरा नाम है संदीप, चैनल का नाम है डिजिटल इंडियन, द चैनल विद द वाई फैक्टर। चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपको अपने माइंड में रखनी है, एक नहीं दो चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है, वो है पहला तो बजट और दूसरा आपका एम क्या है। मतलब कि अगर आपने अपना बजट अपने दिमाग में नहीं रखा है तो कहीं ना कहीं आप पजल हो जाओगे। तो बजट को जब आप ध्यान में रखते हैं और एम को आप ध्यान में रखते हैं, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि सपोज कीजिए आप स्टूडेंट हैं या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या फिर एक प्रोफेशनल हैं और आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, ईमेल, छोटी मोटी गेम्स, म्यूजिक सुनना और इंटरनेट पर सर्फिंग करना, तो इसका मतलब आप एंट्री सेगमेंट का लैपटॉप या डेस्कटॉप लेना चाहते हैं। मतलब इसकी रेंज लगभग 20,000 के आसपास की होगी। तो दूसरी चीज़ हो जाती है एम। एम अगर आपका गेमिंग का है तो आपका कंप्यूटर बिल्कुल अलग बनेगा। अगर आपकी हार्डकोर 4K एडिटिंग आपको करनी है, 3D एनिमेशन का काम करना है, तो आपका कंप्यूटर बिल्कुल अलग बनेगा। तो सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिएगा कि आपका बजट क्या है और आपका एम क्या है, क्योंकि दोस्तों ऐसा ना हो कहीं दो खरगोश पकड़ने जाए और हाथ में एक भी ना आए, तो ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर रखना। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की और वो है प्रोसेसर। मतलब इसको आप सिर्फ एक वर्ड की तरह मत देखिएगा, ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स में से एक है आपके कंप्यूटर में, जो लगती है एक तरह से दिमाग आपके कंप्यूटर का। जो एंट्री सेगमेंट के कंप्यूटर या फिर लो बजट के जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर आपका इंटेल पेंटियम का प्रोसेसर लगेगा, जैसे इंटेल पेंटियम ड्यूल कोर, सेलेरॉन या फिर AMD का एथलोन का प्रोसेसर लगेगा। ये एंट्री सेगमेंट के प्रोसेसर होते हैं दोस्तों, जो कि एक एंट्री लेवल के कंप्यूटर्स के अंदर काम आते हैं, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो दूसरे जो प्रोसेसर होते हैं कोर आई, जो मतलब कोर i7, i5 और i3। इसी तरीके से AMD के अंदर जो है रेजन करके एक इसका एक सीरीज आती है, इसके अंदर आप जो नॉर्मल गेमिंग्स होती हैं, मतलब जो अच्छी ठीक ठाक गेमिंग होती है, वो भी आप कर सकते हैं। एडिटिंग का काम भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 4K जो बड़ी वाली एडिटिंग, बट नॉर्मल एडिटिंग आप इसके अंदर कर सकते हैं, कोडिंग वगैरह भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। तीसरा जो सेगमेंट आता है वो है कोर एक्स प्रोसेसर और AMD राइजन थ्रेड पाइपर। ये एक हाई एंड प्रोसेसर है, मतलब कि अगर आप एक गेमिंग मतलब स्ट्रीमर हो जो ट्विच वगैरह पे अच्छे से स्ट्रीम करना चाहते हैं, एक धमाल कमाल एक कंप्यूटर बनाना चाहते हैं, या फिर 3D जो मॉडलिंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो करना चाहते हैं, या फिर 4K के अंदर रेंडरिंग करना चाहते हैं, तो दिस इज द प्रोसेसर दैट यू वांट, तो इसमें आपको जाना पड़ेगा। तो ये तो तीनों आपको रेंज के हिसाब से मैंने प्रोसेसर बता दिए। अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं, कोई भी प्रोसेसर जो है वो अधूरा है मदरबोर्ड के बगैर। अब आपको जो मदरबोर्ड लगाना है वो हमेशा AMD का अलग रहता है और इंटेल का अलग प्रोसेसर रहता है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा जब आप प्रोसेसर खरीद रहे हैं, तो उसके साथ आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए कि मदरबोर्ड इसके साथ कौन सा कंपैटिबल बैठेगा। अब मदरबोर्ड जो है, नॉर्मल मदरबोर्ड के ऊपर ये सारी चीज़ें, आपका साउंड कार्ड, डिस्प्ले कार्ड, ग्राफिक कार्ड का पोर्ट वगैरह सब कुछ लगा होता है। इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड लगभग हर एक आज की तारीख में हर एक मदरबोर्ड पे आपको मिल जाएगा। और अगर आपको ग्राफिक्स की क्वालिटी बढ़ानी है या साउंड की क्वालिटी बढ़ानी है तो ये अलग से कार्ड इसके ऊपर माउंट हो जाते हैं। तो जब भी आप मदरबोर्ड खरीदे तो ये देखिएगा उस पर एक्स्ट्रा कितने पोर्ट, PCI या ग्राफिक पोर्ट कितने अलग से लगे हुए हैं। मदरबोर्ड में आपको काफ़ी सारी वैरायटीज देखने को मिलेगी, माइक्रो ATX, मिनी ATX, ATX, EATX, XLATX, तो ये जो मदरबोर्ड होते हैं इनके साइजेस के ऊपर होता है, मतलब जो ये जो मैंने आपको बताया है, तो ऐसे में कैबिनेट का साइज़ भी बड़ा और छोटा हो जाता है, जो कैबिनेट के बारे में आपको आगे बताऊंगा, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अगर आप हाई एंड PC बना रहे हैं तो। इससे अगली अगर चीज़ की बात करूँ तो वो है ग्राफिक कार्ड। अगर आप एक गेमर हैं या फिर आप एडिटिंग का काम करते हैं तो आपके लिए ग्राफिक कार्ड एक मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। ऐसे में आपको सजेशन भी देता हूँ, वैसे ग्राफिक कार्ड एक ऐसी चीज़ है जो छोटे अमाउंट से लेके बहुत हाई एंड तक जाते हैं। जैसे मैं एक फेवरेट अपना एक उठा के देता हूँ, GeForce GTX 10603GB। मैन, दिस इज अ ग्राफिक कार्ड जो 60 FPS के ऊपर, आपका 1080 के ऊपर आपको मैक्सिमम गेमिंग आपको चला के दे देगा, ऑलमोस्ट नॉर्मल सब तरीके की गेमिंग आपको चला के दे देगा। मैक्सिमम से मेरा मतलब ऑलमोस्ट सारी नहीं। अगर आपको थोड़ा सा इसमें ऊपर वेरिएंट में जाना है तो 6GB का वेरिएंट भी इसके अंदर अवेलेबल होता है। मैक्सिमम आप ये समझ लीजिए कि जो स्ट्रीमर्स वगैरह होते हैं या गेमर्स जो होते हैं वो लगभग इस कार्ड के लिए चले जाते हैं, बाकी एंड तो है नहीं ना दोस्तों किसी चीज़ का। बट ये मैंने अपनी तरफ से प्रेफरेबल आपको ग्राफिक कार्ड बता दिया जो जिसके लिए जा सकते हैं। बाकी अगर आपके माइंड में कुछ और है ग्राफिक कार्ड को लेके तो क्वेश्चन आप नीचे लिख दीजिएगा, डेफिनेटली जितना सपोर्ट मेरे से हो सका मैं आपके लिए जरूर करूंगा। दोस्तों इससे अगले अगर बात करूं तो वो है रैम।
और रैम जो है आज की तारीख में फोन्स के अंदर भी 6-6, 8-8, 10-10 GB की आने लगी है। तो आप सोच सकते हैं कि मैं कम से कम आपको 16 GB की रैम जो है वो रिकमेंड करूंगा अगर आपको कंप्यूटर अपना स्मूथली चलाना है। रीज़न इसके पीछे ये है कि रैम बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके सिस्टम की स्पीड अप करने में। कैसे, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक चीज़ जो होती है इधर से उधर ट्रांसफ़र हमको करनी है, तो रैम जितनी ज़्यादा होगी वो ट्रांसफ़र उतनी जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको एक चीज़ यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करनी है, आपके पास 1 GB की रैम है तो वो एक बारी में एक ही लेके आएगा, 2 GB है तो मान लीजिए वो उतने टाइम में 2 ट्रांसफ़र कर लेगा, तो 4 GB है तो और ज़्यादा ट्रांसफ़र कर लेगा, तो 8 GB, 16 GB, 32 GB आप जितना बढ़ा सकते हैं उतनी हिसाब से ट्रांसफ़र रेट आपकी बढ़ जाएगी। तो रैम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्पीड अप करने में आपके सिस्टम को। तो उसके हिसाब से देखिएगा, जैसे अब मैं क्रोजियर की बात करूँ, किंगस्टन की बात करूँ, सिम्ट्रॉनिक्स की बात करूँ, अभी लेटेस्ट अगर बात करता हूँ तो 3200 जो मेगाहर्ट्ज़ है उस फ्रीक्वेंसी की रैम चल रही DDR4 की, तो अगर आप उसके लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल एंट्री सेगमेंट की उनके अंदर 1800 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाली रैम जो है सिम्ट्रॉनिक्स की सस्ते वाली आ जाती है। और हाँ, जो फ्रीक्वेंसी है वो 5000 मेगाहर्ट्ज़ तक भी जाती है, तो बहुत हाई एंड पे जाना है तो वहाँ तक भी जा सकते हैं। एंड तो है नहीं ना दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं अगर आप गेमिंग पीसी बनाने की सोच रहे हैं तो उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, एंट्री सेगमेंट के लिए भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो बता दीजिएगा क्या बजट है, उस हिसाब से थोड़ा बहुत गाइडेंस आपको मिल जाएगा। दोस्तों इससे अगली बात करूँ तो वो है हार्ड ड्राइव। रैम था रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए मेमोरी को रखना, हार्ड ड्राइव है आपके लॉन्ग टर्म के लिए रखना, मतलब उसके अंदर आपका फिक्स स्टोर हो जाता है। नॉर्मल जो पहले 5400 RPM, 7200 RPM, Seagate, WD की इनकी हार्ड ड्राइव आपको मिलती थी, लेकिन अभी जो है वो है धमाका SSD हार्ड ड्राइव, मतलब कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, और इनकी कमाल की परफॉर्मेंस होती है। मैं आपको ये चीज़ गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप अच्छा CPU लगाते हैं, अच्छी रैम लगाते हैं, और उसके बाद अगर आपने SSD हार्ड ड्राइव लगा ली, तो आपकी परफॉर्मेंस जो है कोई पकड़ नहीं सकता है, मतलब इतनी फास्ट परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। 5400 RPM की जो हार्ड ड्राइव होती है, नॉर्मल जो ये Seagate वगैरह की हार्ड ड्राइव आती है, और SSD हार्ड ड्राइव है, ट्रस्ट मी गाइस, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर आपके पास बजट है, ये महंगी भी बूम मार लगा देती है जेब के अंदर, महंगी भी इतनी है, मतलब 40-50 हज़ार रुपये की सॉलिड स्टेट ड्राइव आपकी स्टार्ट होगी अच्छी क्वालिटी की, इससे हाफ में वैसे एंट्री सेगमेंट का कंप्यूटर बन जाता है। बट एनी हाउ, मतलब कि अगर आपके पास बजट है तो सॉलिड स्टेट ड्राइव से बेटर कुछ भी नहीं है। दोस्तों एक चीज़ मैं बीच में भूल ना जाऊँ, मतलब कि कूलर, मतलब कि ये अगर आप हाई एंड के जो सिस्टम बनाते हैं ना, कंप्यूटर्स बनाते हैं, तो उसमें कूलर एक अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। कूलर मास्टर का आप लगा सकते हैं, आज की तारीख में लिक्विड कूलिंग भी आती है, वैसे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आपका बजट अलाउ करता है तो लिक्विड कूलिंग के लिए चले जाइएगा। अदरवाइज कूलर मास्टर के काफ़ी सारे फैंस वगैरह इस तरीके से आते हैं कि ठीक ठाक कूलिंग वो रख लेते हैं। इंडिया थोड़ी सी गर्म कंट्री है ना, तो गर्मियों में थोड़ा सा ज़्यादा हीटिंग वीटिंग का इशू आता है जो गेमिंग वगैरह, बट जो गेमिंग इतना हाई एंड बनाएगा वो बैठेगा भी एयर कंडीशन रूम के अंदर। इसके अलावा जो कूलर है वो लगा होता है आपके SMPS के अंदर, और ट्रस्ट मी, अगर आप SMPS आप गेमिंग PC बना रहे हो और वहाँ पर आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो वो ठीक नहीं रहेगा। रीज़न ये है कि हमारे जो CPU होते हैं उनको ओवरक्लॉकिंग करनी पड़ती है अगर हम हाई एंड गेमिंग खेल रहे हैं, तो सो ऐसे में उसको चाहिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर। तो ऐसे में हमारी SMPS जो है वो बिल्कुल कंपैटिबल होनी चाहिए उसको वो पावर देने के लिए, और एक अच्छी जो SMPS है वो आपको कूलर मास्टर की मिल जाएगी। काफ़ी सारे और ब्रांड है, आप पूछेंगे मैं तो नीचे सजेशन दे ही दूंगा आपको। बाकी बात करते हैं कैबिनेट के बारे में। सो आपके सिस्टम का अच्छा दिखना भी ज़रूरी है अगर अच्छा काम करता है तो, क्यों? तो आज की तारीख में बहुत सारी अच्छी अच्छी कैबिनेट आती हैं। अगर एंट्री सेगमेंट की बात करूँ तो आईबॉल वगैरह की आती हैं, थोड़े से ऊपर अगर चलाता हूँ कूलर मास्टर की आती हैं। सो ये तो डिपेंड करता है कि आपके मदरबोर्ड का साइज़ क्या है और आपको लुक एंड फील कैसी चाहिए। कैबिनेट जो है कूलर मास्टर की मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है, इसके आप मुझसे सजेशन ले भी सकते हैं अगर आपको सजेशन चाहिए तो। बाकी कीबोर्ड जो है वो मैकेनिज्म लो या फिर आप नॉर्मल लो, वो दैट इज़ अप टू यू। आप माउस कौन सा लेते हैं, गेमिंग लेते हैं, नॉर्मल लेते हैं, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्क्रीन जो है वो कितने हर्ट्स की है उसके हिसाब से आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो स्क्रीन की जो रिकमेंडेशन है वो आप मुझसे ले सकते हैं अगर आपका बजट जो है काफ़ी अच्छा है तो। इसके अलावा स्पीकर्स वगैरह दोस्तों आपकी खुद की मर्जी होती है, स्पीकर्स आप कैसे लेना चाहते हैं मैं उसके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, क्योंकि अपनी अपनी बहुत भाई लोग ही ना अपनी अपनी चॉइस होती है स्पीकर्स के अंदर, किसी को कैसा साउंड पसंद है किसी को कैसा, तो वो आप गूगल कर लीजिए, यूट्यूब कर लीजिए, डेफिनेटली उस पर आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये थे मेरे कुछ सुझाव, मेरे कुछ सजेशंस, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे।
आज का वीडियो अभी मैं इतने पे ख़त्म करता हूँ। वैसे ऑनेस्टली बताऊँ दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये वीडियो बहुत लंबा भी हो सकता है, और मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनमें डिटेल में जाने की ज़रूरत है। लेकिन इसके लिए मुझे आपका एक सपोर्ट चाहिए। आप ही हैं वो लोग जो बता सकते हैं किस चीज़ के ऊपर डिटेल में जा सकते हैं या जाना चाहिए, वो तो आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे। तो बातें करते हैं, कमेंट्स लिखना और लाइक कर दो यार, मेहनत बहुत होती है वीडियो बनाने में। मिलूंगा आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो यार। और पेपर्स वेपर्स आने वाले हैं, सुना है मैंने जिन बच्चों के पेपर्स आने वाले हैं, 15 फरवरी से पेपर जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं CBSE के। अरे पेपर से याद आया, एक बात मुझे याद आ जाती है कि जब मैं स्कूल में था तो मेरे टीचर्स कहा करते थे कि संदीप पढ़ ले पढ़ ले। तो मैं सोचता था अरे इनको कुछ एक्स्ट्रा सैलरी तो नहीं मिलती ऐसा बोलने की, पढ़ाई कर ले पढ़ाई कर ले। और मैं बट अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे आइडिया लग गया कि ऐसा कुछ नहीं था कि मैं पास हो जाऊँगा तो उनको एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी या पास नहीं हो पाया तो उनको कम सैलरी मिलेगी। दोस्तों सैलरी तो उनको उतनी ही मिलती थी। तो इसलिए आप जो है वो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। और बीच बीच में थोड़ा टाइम निकाल के वीडियोज़ को देखते रहिए।